नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कताई अर्थात सूत निर्माण स्पिनिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने कहा है कि वस्त्र निर्माण हेतु रेशों से धागा निर्माण करने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। इसके अंतर्गत कई तंतुओं को एक साथ मिलाकर वट देकर अटूट लंबा धागा तैयार किया जाता है। रेशों को आपस में पास पास रखकर समानांतर करके उन्हें खींचकर ऐंठन और बल देकर पटाई करते हैं, जिससे अविरल अटूट लंबाई के धागों का निर्माण होता है। इसे ही हम सूत या धागा कहते हैं। सामान्यतः रूप में कपड़ों के रेशों के लिए अविरल लंबे धागों की अथवा सामग्री इस तरह से की जाती है जो सिलाई क्रोशिया हस्तकरघे दे अथवा शक्तिशाली करघे द्वारा बुनाई और रेशों पर लपेटा कपड़ा निर्माण हेतु उपयुक्त हो, उसे हम सूत या धागा कहते हैं। यार्न एक प्रकार से जेनेरिक नेम है एक्चुअली, जिसमें हम फाइबर्स को असेंबल करते हैं, उन्हें ट्विस्ट कहते हैं, आपस में समानांतर बनाते हैं, ट्विस्ट कहते हैं। और यूजुअली हमने देखा, कल भी हमने इस संदर्भ में बात करी थी कि जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह एक्चुअली फाइबर के निहित प्रॉपर्टीज ही होती हैं। आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि यूजुअली स्पिनिंग प्रोसेस में तीन मुख्य क्रियाएं संपन्न होती हैं। पहला ड्राइंग आउट प्रोसेस, दूसरा अर्थात तंतुओं को खींचना, दूसरा ट्विस्टिंग और तीसरा कटे हुए सूत को लपेटना। तंतुओं को खींचना अर्थात इसके अंतर्गत पूनी से रेशों को लगातार समान रूप से खींचा जाता है, इसे खिंचाई अथवा ड्राइंग आउट प्रोसेस कहते हैं। बट देना दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत खींचे हुए रेशों को बट कर उनमें अटूट अविरल लंबाई का धागा किया तैयार किया जाता है, इसे हम ट्विस्टिंग कहते हैं। और कटे हुए सूत को लपेटना बट देने के बाद धागे को लगभग 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर लंबा होने के पश्चात उसे तकली पर लपेटा जाता है, इस प्रक्रिया को हम वाइंडिंग कहते हैं। तो सूत काटने में हम इन तीन सिद्धांतों को उपयोग करते हैं। यूजुअली पहले तो हम कहते हमारे यहाँ पर प्राचीन काल के अंदर तकली और चरखे से यार्न बनाया जाता था, जिसका हमने अध्ययन कल किया था। आज हम पुनः देखते हैं कि आधुनिक वस्त्र निर्माण में हमें मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाता है। रेशों की सफाई से लेकर धागा बनाने तक का समस्त कार्य विभिन्न प्रकार की मशीनों से संपन्न होता है, जिसमें प्रमुख हैं पिकर, ब्रेकर, इंटरमीडिएट, फिनिशर नामक मशीनें रेशों को साफ करना, सीधा तथा समानांतर करना, फिर इंटरमीडिएट फिनिशर नामक मशीनें कार्डिंग, डबलिंग, कोम्बिंग, खिंचाई, रोबिंग और कताई इत्यादि कार्य सभी मशीन के द्वारा संपन्न होते हैं। तो आइए अब हम आधुनिक काल के अंदर बनने वाले जो प्रोसेस है उसका अध्ययन करते हैं। तो उससे पहले हमें रेशों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए यार्न मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम फाइबर्स इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले लंबाई के आधार पर हम रेशों का वर्गीकरण करते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित रेशों का निर्माण किया जाता है। इनकी लंबाई इच्छा अनुसार व उपयोगिता पूर्वक रखी जाती है। मानव निर्मित की तो हम चाहे इतनी लंबाई रख सकते हैं, परंतु जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनकी लंबाई बहुत छोटी होती है और अलग अलग होती है। तो लंबाई के आधार पर हम रेशों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होता है फिलामेंट लंबा रेशा और दूसरा होता है स्टेपल अर्थात छोटे रेशे।
फिर फिलामेंट रेशिय हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक रेशिय और बहुरेशिय। तो आइए अब हम डिटेल में थोड़ा सा इनका अध्ययन या इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फिलामेंट रेशिय अविरल लंबाई के होते हैं। प्राकृतिक रेशों में केवल सिल्क ही फिलामेंट रेशा है। इसकी लंबाई 1200 से 4000 फीट तक होती है। अन्य प्राकृतिक रेशे छोटे होते हैं, जबकि सभी कृत्रिम रेशे फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार हम स्टेपल में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक रेशीय तंतु, यह केवल एक ही तंतु से निर्मित होता है। एक रेशे मजबूत व मुलायम होते हैं और इन रेशों से बने धागे के वस्त्र, फर्नीचर इत्यादि वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होते हैं। बहुरेशीय या मल्टीफिलामेंट फिलामेंट्स एक रेशीय धागों को विपरीत अथवा एक रेशीय धागों को कई धागों मिलाकर एक साथ पटाई देकर हम बहुरेशीय धागों का निर्माण करते हैं। A.M. कॉलियर ने फिलामेंट के बारे में वर्णन किया है, कंटिन्यूस फिलामेंट्स आर मेड बाय एक्सट्रूडिंग लॉन्ग अनब्रोकन थ्रेड्स एंड इंसर्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्विस्ट टू होल्ड देम टुगेदर इन नेचुरल फाइबर्स सिल्क दीज थ्रेड्स मे बी माइल्ड और मोर देन इन लेंथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस फिलामेंट्स को हम एक इतने लंबे धागे के रूप में बनाते हैं कि वह पूरा धागा एक ही स्पूल में पूरा लपेट लिया जाता है। दैट इज अनब्रोकन होता है, कहीं पर भी उसमें जॉइंट्स नहीं होते हैं। और हम इस धागे पर छोटी छोटी दूरी के ऊपर थोड़े ट्विस्ट दे देते हैं। साथ ही प्राकृतिक रूप से भी हम सिल्क जो है वह सबसे लंबा फाइबर है और इसकी लंबाई करीबन एक मील से भी ज़्यादा हो सकती है। अब हम देखते हैं लघु आकार के या स्टेपल फाइबर्स, प्राकृतिक व कृत्रिम रेशे जिन्हें इंच में नापा जाता है, जिनकी लंबाई प्राय 3/4 इंच से लेकर 18 इंच तक होती है, उन्हें हम स्टेपल फाइबर्स कहते हैं। प्राकृतिक रेशों को छोड़कर सभी रेशे सिल्क को छोड़कर सभी रेशे छोटे होते हैं। इन रेशों को बटकर ऐंठन देकर अविरल लंबाई का धागा तैयार किया जाता है। इससे निर्मित धागों को स्पन यार्न भी कहा जाता है। इन्हें हम सेंटीमीटर्स में नापते हैं। हॉलन एंड सैडलर ने स्टेपल फाइबर्स के बारे में लिखा है कि स्टेपल फाइबर्स आर मेजर्ड इन इंचेस। स्टेपल फाइबर्स को हम इंचेस में मेजर करते हैं या सेंटीमीटर्स में, एंड रैंग इन लेंथ फ्रॉम 3/4 इंच टू 18 इंचेस, और इनकी लंबाई यूजुअली 3/4 इंच से लेकर हमारी 18 इंच तक होती है। लंबे अथवा छोटे रेशों में ऐंठन देकर बट कर ही धागे को निकाला जाता है। इससे धागों में मजबूती प्राप्त होती है। ऐंठन युक्त धागा महीन, सूक्ष्म, बारीक और मजबूत होता है। आइए अब हम संक्षेप में धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा कि दो प्रकार के रेशे हैं, परंतु दोनों ही प्रकार के रेशों से हम धागे का निर्माण अथवा सूत का निर्माण कैसे करेंगे, यान का निर्माण कैसे करेंगे, उसका अध्ययन हम देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले होता है ब्लो रूम, अर्थात यह सूती धागा निर्माण का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत रुई की गांठों को खोलकर धूल, रेत, कण, गंदगी आदि को साफ तथा किया जाता है। तत्पश्चात इसमें कार्डिंग प्रोसेस करी जाती है, जिसे हम धुनाई की प्रक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कार्डिंग प्रोसेस होता है, सेकेंड प्रोसेस आपका कार्डिंग आता है। तो कार्डिंग के अंतर्गत इसमें रेशे जो होते हैं उन सबको आपस में मिलाकर धुनाई करी जाती है। प्राकृतिक गंदगी, धूल कण और अशुद्धियां दूर की जाती है। इसके द्वारा अत्यंत छोटे रेशे भी अलग कर दिए जाते हैं।
धुनाई की प्रक्रिया से रेशे बिल्कुल समानांतर हो जाते हैं और सीधे हो जाते हैं, जिससे अग्रिम क्रिया सहज हो जाती है। तत्पश्चात इन रेशों से पतली चादर या लैप्स तैयार किए जाते हैं, LAPS लैप्स, ओके। तो लैप्स तैयार किए जाते हैं और करके मोटी पूनिया बनाई जाती है। उच्च कोटि के वस्त्र निर्माण हेतु धुनाई के पश्चात कोम्बिंग प्रोसेस की जाती है, अन्यथा धुनाई के पश्चात ही सीधी कताई कर ली जाती है। परंतु यदि हमें बहुत बेटर क्वालिटी के वस्त्र चाहिए तो हमें बीच में एक प्रोसेस और होता है जिसे हम कोम्बिंग कहते हैं, जहाँ पर छोटे रेशे जिन्हें हम टो कहते हैं वो टोटली अलग हो जाते हैं और जो फिलामेंट रेशे बड़े रेशे रहते हैं वह सभी समानांतर हो जाते हैं। फिर इनको धुनाई के पश्चात कताई के लिए भेजा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है खींचना। इसके अंतर्गत जो पोनियाँ बनती हैं उनको समानांतर और व्यवस्थित किया जाता है और उक्त प्रक्रिया के पश्चात रही गंदगी आदि भी साफ हो जाती है। इसमें लंबे रेशों से उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं, छोटे रेशों को छाट कर अलग कर दिया जाता है। ड्राइंग प्रक्रिया का हम कह सकते हैं कि निम्न प्रकार से वर्णित है कि टू इम्प्रूव द पैरेलल ऑर्डर ऑफ द फाइबर, अर्थात जो समानांतर रेशे किए गए हैं वे और बेटर क्वालिटी के हो जाएं समानांतर रूप से, तो उनकी पैरेलल को इम्प्रूव करने के लिए हम एक्चुअली ड्राइंग प्रोसेस करते हैं। टू इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट पर यूनिट लेंथ, अर्थात यूनिफॉर्मिटी समरूपता आपको बढ़ाने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं, और समटाइम्स टू ब्लेंड डिफरेंट मटीरियल्स इन रिडक्शन ऑफ वेट पर यूनिट लेंथ वंस रेगुलर सिल्वर हैज़ बीन प्रोड्यूस। एक्चुअली जब हमारी रिडक्शन ऑफ वेट हम चाहते हैं तो कई बार हम दूसरे फाइबर्स को भी ब्लेंड करते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम ड्राइंग प्रोसेस के साथ यूज़ करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा धागे की लंबाई मौलिक लंबाई से कई गुना बढ़ जाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रोसेस आती है कोम्बिंग करना। कोम्बिंग का मतलब होता है कि एक उच्च कोटि के वस्त्र निर्माण हेतु ड्राइंग के पश्चात कंघी की जाती है, इससे छोटे छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। कोम्बिंग के द्वारा कंघी किए रेशे अधिक मजबूत, समान, चमकदार, कोमल, स्वच्छ और नाजुक होते हैं। इनके रेशों के द्वारा निम्न कोटि के वस्त्रों को बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रोविंग अर्थात घुमाव देना। उपयुक्त प्रक्रिया के द्वारा पोनी को घुमाकर ऐंठन दिया जाता है और यह प्रक्रिया रोविंग कहलाती है। जब हमारी कोम्बिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी रोविंग आती है, जिसमें कि धागे को ट्विस्ट किया जाता है और इस पोनी से मजबूती बढ़ जाती है। साथ ही रेशे जो अभी तक समानांतर थे वे आपस घूम जाते हैं और घूमने से आपस में बिल्कुल सट जाते हैं। रोविंग के पश्चात ये कताई प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं, और कताई प्रक्रिया एक्चुअली यह धागा निर्माण की अंतिम प्रक्रिया है। इसके द्वारा वांछित लंबाई के व बारीक धागा प्राप्त किया जाता है। ऐंठन के द्वारा रेशों की मजबूती बढ़ाई जाती है। इसके अंतर्गत रोविंग से तैयार धागों को कताई मशीन में भेजा या चढ़ाया जाता है। इसमें कई रोलरों के बीच से निकलता हुआ धागा तैयार होता है। इसमें लगे प्रत्येक रोलर की गति पहले से अधिक होती है और अंतिम रोलर से जो धागा निकलता है वे बिल्कुल बुनाई के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार हम हमारा धागा प्राप्त करते हैं जिनसे हमें वस्त्र निर्माण करना है। धन्यवाद।